यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस रफेल डील के असल मुद्दे पर ही रहेगी। जी हां, इसी मसले को मोदी सरकार के खिलाफ प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी कांग्रेस। बुधवार को बिलासपुर के इंदिरा भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता वर्मा ने यह तमाम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस डील में बड़ा घोटाला हुआ है। बीजेपी ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सारे नियम नजरअंदाज किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की इस कारगुजारी को विभिन्न माध्यमों से जन जन तक पहुंचाया जाएगा ताकि देश की जनता केंद्र सरकार की असलियत को जान सके। तो रफेल डील का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा कांग्रेस ने बना लिया है कि 2019 के चुनाव तक ये गूंजता दिखाई देगा सियासत के गलियारों तक, क्योंकि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले ही संकेत अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेताओं को दे दिए थे कि इसी मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएं। और ये इसलिए भी क्योंकि बोफोर्स को लेकर सभी को मालूम है, इतिहास ये बताता है कि सत्ता में बैठी कांग्रेस को बाहर किया था जनता ने जब आरोप लगे थे बोफोर्स के। और यही जानते हैं कांग्रेस के नेता कि आज रफेल डील में कथित तौर पर गड़बड़ियां हैं तो मोदी सरकार को भी इससे खतरा हो सकता है, हो सकता है कि चुनाव में नुकसान हो, और इसलिए एक तरह की रणनीति बनाते हुए कांग्रेस अब चल रही है।